आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम पालक कोफ्ते की सब्जी बनाने जा रहे हैं। आपको हम बताते हैं कि पालक कोफ्ते में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। हमने पालक कोफ्ता बनाने के लिए यह 250 ग्राम पालक लिया है जो बेबी पालक है, तो इसलिए हमें ये आराम से मार्केट में मिल जाता है। इसकी हमने मोटी डंठल निकाल दिए हैं और धोने के बाद सुखा दिया है। अब इसकी हम पालक कोफ्ते की सब्जी बनाते हैं। हमने 4 टमाटर लिए हैं, 3 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, और 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी तेल और 1 गिलास पानी, 2 चम्मच हमने कस्तूरी मेथी लिया, 10-12 काजू, 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच अमचूर पाउडर, आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच गरम मसाला। इन टमाटर और हरी मिर्च अदरक का हम पेस्ट बना लेते हैं काजू डालकर। ये काजू भी हम इसमें ऐड करेंगे और इसको हम पेस्ट बना लेते हैं। अब हमने 4 टमाटर, 2 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और काजू का पेस्ट बना लिया है, और ये 1 हरी मिर्च हमने बारीक काट लिया है। पालक को हमने इस तरीके से बारीक काट लिया है। अब इसके हम कोफ्ते बनाएंगे। अब इस पालक में हम बेसन ऐड कर देते हैं, देखते हैं हमारा कितना बेसन लगता है। थोड़ा बेसन हमने बचा लिया है, और ये आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर और 1 कटी हरी मिर्च, ये भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। बाकी के मसाले हम इसकी ग्रेवी में यूज करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालकर इसको मिला लेते हैं। हमें मिलाने में बेसन थोड़ा कम लगा था, तो इसलिए हमने बाकी का बेसन भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसको हाथ से मिक्स कर लेते हैं। ये मिश्रण हमने तैयार कर लिया है। अब इसके हम कोफ्ते बनाते हैं। ये देखिए, आपको ऐसे गोल गोल करके ऐसे कोफ्ते तैयार कर लीजिए तलने के लिए। हमने सारे कोफ्ते हाथ से बना के तैयार कर लिए हैं। धीमी गैस पर एक पैन रख दिया है और उसमें 1 कटोरी ऑयल जो है वो हम डाल रहे हैं। तेल डालने के बाद आप गैस तेज कर लें। हमें तेल तलने के लिए पूरा गर्म चाहिए, तो हमें 2-3 मिनट लग जाएंगे। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम कोफ्ते ऐड करते हैं और गैस अपनी मीडियम कर दें। आप इनको इस तरह से डालकर सुनहरा होने तक मीडियम गैस पर तल लें। इनके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दें, आराम से इनको पलटने में दिक्कत नहीं होगी। इनको आराम आराम से आप पलट लीजिएगा। ये राइस के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, सबके साथ अच्छी लगती है ये सब्जी। देखिए, हमारे कोफ्ते सिक चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं। ये कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं। ये तेल हमारा बच गया है। हमने पहले आपको बताया था कि हम फ्राई करने के लिए ले रहे हैं, इसको हम अलग रख देते हैं। हमने ग्रेवी बनाने के लिए एक पैन गैस पर रख दिया है, और ये 2 चम्मच ऑयल हम इसके अंदर डाल रहे हैं। गैस अपनी मीडियम रखें। हमारा तेल गर्म हो चुका है। इसके अंदर अब हम जीरा डाल रहे हैं, 1/6 आधी चम्मच, और धनिया पाउडर, हल्दी। गैस अपनी धीमी कर दें जिससे हमारे मसाले जले ना। मिर्च भी। और अब हम अपने ये जो हमने टमाटर की ग्रेवी बनाई हुई है ये डाल रहे हैं। इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको भूनते भूनते हम इसके अंदर और मसाले भी ऐड करते हैं। ये अमचूर पाउडर, ये गरम मसाला,
नमक। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। इसको आप भूनने में कंजूसी ना करें, अच्छी तरह से भून लें। और जो हमारा पानी दिया था वो पानी भी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। और पानी डालने के बाद भी इसको अच्छी तरह से चला दें। गैस अपनी मीडियम कर दें। इसको ओवन आने तक हम इंतजार करते हैं। गैस अपनी तेज कर दें क्योंकि उबाल आने में टाइम लगेगा यदि हम गैस मंदी रखेंगे तो। हमें ग्रेवी अपनी गाढ़ी लग रही है तो इसलिए हम आधा गिलास पानी इसके अंदर और डाल देते हैं, क्योंकि ये कोफ्ते भी ग्रेवी को अपने अंदर एडजस्ट करेंगे, तो इसलिए हमें ग्रेवी पतली ही रखनी है। अब हमारी ग्रेवी में उबाल आ चुका है। अब हम इसके अंदर कस्तूरी मेथी मैश करके डाल देंगे और इसको मिलाने के बाद अब हम अपने कोफ्ते इसके अंदर ऐड कर देते हैं। हमने कोफ्ते इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हम धीमी गैस कर देते हैं और इसको ढककर 5 मिनट के लिए हम रख देते हैं, जिससे कोफ्तों के अंदर ग्रेवी का टेस्ट चला जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपनी सब्जी को देखते हैं। लगभग हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको बाउल में पलट लेते हैं। हमारी पालक कोफ्ता सब्जी तैयार है, खाना भी खिलाना भी। धन्यवाद।